आज हम 10वीं कक्षा का संस्कृत विषय का 8वां पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मास 1940 तमे विक्रम संवत्रे ईस्वीय 1883 राजस्थान से सीकर जनपदे मगलुणा ग्राम अभवत। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास की विक्रम संवत के अनुसार 1940 और ईस्वी वर्ष 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले में मगलुणा गांव में हुआ। अस्य पितुर्नाम ठाकुर सिंह ढाका इति मातुश्चे नाम सारा इत्यासित। इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका और माता का नाम सारा था। बाले केशवानंदस्य नाम बीरमा इत्यासित। बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा था। यदा एषः बालः सप्तवर्ष कल्प आसित, जब यह बालक 7 वर्ष की आयु के थे, तदेव उष्ट्रमेकम् आश्रित्य रत्नगढ़स्थले जीवन यापनम् कुर्वत्नस्य पिता दिवंगत। तब एक ऊँट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थान पर अपना जीवन यापन करते हुए इनके पिता का देहांत हो गया। जब इनकी आयु 7 वर्ष की थी तब इनके पिता का देहांत हो गया। पितु प्रायाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठी गृहेषु गोधूमादिक प्रेषणम् पात्रमार्जनम् इत्यमेव आदिभिः कार्ये यथा कञ्चित् से काले यापनम् कुर्वती। पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि पितु प्रणायात प्रागेव, पिता के चले जाने से पहले ही, मतलब जब इनके पिता जीवित थे उससे पहले ही, यह विपत्ति ताया का अर्थ होगा विपत्ति में, मतलब गरीबी में, सेठों के घर में, जो सेठ लोग हैं उनके घर में गोधूम का अर्थ होगा गेहूँ आदि को पेक्षना, मतलब पीसना, पात्र मार्जनम बर्तनों को मांजना इत्यादि कार्यों से यथा कश्चित का अर्थ होगा जैसे तैसे किसी प्रकार से अपना समय व्यतीत करती हुई। अस्य बालक से व्राकी माता, इस बालक की बेचारी माता अब वैधव्य कारणात इत्योपि विपदा विभूता अभवत। अब विधवापन के कारण से यहाँ से भी विपदाग्रस्त हो गई, कि अब वो अत्यधिक दुखी हो गई। पहले भी वो अपना कार्य गरीबी में कर रही थी। उच्यते ही कहा जाता है कि छिद्रेश्व नर्था बहुल्य भवंती, कि कमजोरियों से परेशानियां अधिक होती हैं। जब हम कमजोरियां दिखाते हैं, कमजोर होना मतलब परेशानियों को बुला लेना, अत्यधिक परेशानियों को अपने पास बुला लेना। तो जब वो कमज़ोर थी और अब उनके पास परेशानियाँ और बढ़ गई। इदानीं मातु सहयोगाय बीरमा बालकेन गोचारण कार्यम आबद्ध। अपनी माता के सहयोग के लिए जो बालक था बीरमा ने गोचारण मतलब गाय चराने का कार्य आरंभ किया। तदानीन्त दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्गश्च सामंतानाम राजाम नवाब संघ का नाम व विदेशी का नाम चे शासका नाम त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्ध आसित। उस समय का दीनहीन किसान समूह, मजदूर वर्ग, सामंतों का, नवाबों का और राजाओं और विदेशियों का विदेशी शासकों के तिहरे गुलामी के पिंजरे में बंधा हुआ था। जो किसान वर्ग था, किसान समूह था, वह सामंतों और नवाबों के अधिकार में, राजाओं के अधिकार में और विदेशी शासकों के, इन तीनों के अधिकार में गुलामी के पिंजरे में बंधा हुआ था। रौरव नरक प्रायम ही तेषां जीवनम आसीत, कि प्राय रौरव नरक सा ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। अयम पुण्य गंड स्योपरी पंडक सर्वत यत्र भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन। और ये फोड़ा पर एक दूसरा फोड़ा
गंडक के ऊपरी पिटक का अर्थ होगा कि एक फोड़े के ऊपर दूसरा फोड़ा होना, अर्थात आपत्ति पर एक और आपत्ति आ जाना। इस प्रकार भयंकर अकाल का समय भी आ गया। दुर्भिक्ष का अर्थ होगा यहाँ पर अकाल, कि उस समय अकाल भी अत्यधिक पड़ा था। छपन्या अकाल इति कुख्याते, छपन्या अकाल नाम से, इस अकाल का नाम था छपन्या अकाल नाम से कुख्यात। ये विक्रम संवत 1956 के उस कठोर तस्मिन दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणम अपि दुर्भवम आसीत। उस कठोर अकाल में प्राण धारण करना भी दुभर हो गया था। चतुर दिशु जलम नेव, के चारों दिशाओं में जल नहीं था। अनम नेव, अन भी नहीं था। तृणम नेव, और जो तिनका है, घास है, वो भी नहीं थी। आसीत केवलम शुद्ध पिपासियो अखंडम साम्राज्यम प्राणे नातार्थम नादर्शन च। तो ना तो घास थी, ना पानी था, ना अनाज था, और इसके अलावा क्या था? केवल भूख प्यास का, शुभक्षिप्त पिपासियों का अर्थ होगा भूख प्यास का अखंड साम्राज्य, और प्राणियों का दुख भरा क्रंदन, उनका आवाज, उनकी रोने की आवाज़। समय वृक्षणाम त्वचम भरूट संख्यकम घासम च खादित्वा मनुष्य यथा कथित प्राणम प्राणान रक्षितवंत। शमी वृक्ष अर्थात खेजड़ी के पेड़ों की छाल, त्वच मतलब छाल को, भरभूट मतलब या भरूट संज्ञक मतलब चिरचिटा नाम की घास को खाकर मनुष्य, जो मनुष्य थे, वो इस प्रकार की घास और छाल खा रहे थे, जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशु प्राय काल कवलिता, और जो पशु थे वह काल को कवलित हो गए, अर्थात मर गए। ए तो माता पुत्रो अपि जनपदात जनपदम ग्रामात ग्रामम चे अटंतो आस्ताम। ये दोनों माता और पुत्र भी, जो बीरमा और उनकी माँ थी, वह भी एक जनपद से, एक जिले से दूसरे जिले में, एक ग्रामात मतलब एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहे। अस्मिनेव अवान्तरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणे जर्जरिता बलवद स्वस्था चे बीरमा जन्यपि षोडश वर्ष देशियम इयम किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयाता। इसी दौरान, अस्मिन अवान्तरे का अर्थ होगा इसी दौरान, निरंतर अकाल, निरंतर जो सतत है मतलब निरंतर अकाल की पीड़ा, प्रताड़ने का अर्थ होगा पीड़ा से झरझर हुई, जीर्ण हुई और अत्यधिक बीमार हुई बीरमा की माँ भी 16 वर्ष के इस किशोर को मतलब बीरमा को अकेले छोड़कर वह भी स्वर्ग सिधार गई, मतलब वह भी मर गई थी। तदंतरम अकेलो अपि सन असार संसार दुख दावालन द्वितीय शुभित प्रपार्षित बीरमा उत्तरस्याम दिशि अज्ञाते पथि आहिन्यमान पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्तवान। इसके बाद अकेला ही, क्योंकि बीरमा अब अकेला हो गया था, अकेला ही वे इस संसार में, संसार की दुख रूपी द्वाग्नि मतलब अग्नि को से पीड़ित हुआ, भूख प्यास से पीड़ित बीरमा उत्तर दिशा में अनजान अज्ञाते पथि मतलब अनजान राह पर, अज्ञान राह पर भटकता हुआ पंजाब के फिरोजपुर पहुंच गया। तत्र केनापि कृपालुना आर्य समाजस्य अनार्थाल्ये प्रवेशितो अयम बीरमा रोटिकाया अक्षर ज्ञानस्य चे युगपत दर्शनम इदम प्रथमं तया अक्रोत। कि वहां किसी कृपालु की, कृपालु ने आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश करता हुआ उस बीरमा को रोटी और अक्षर ज्ञान, जो शब्द है, उसने 16 साल की उम्र तक वो अनपढ़ था, उसके पास रोटी भी नहीं थी क्योंकि भूख के मारे, अकाल के मारे वो पीड़ित था, तो उसने वहाँ प्रथम बार रोटी और अक्षर ज्ञान दोनों का सबसे पहले उसको वहाँ दर्शन हुए। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदुरासीत। और यही एक पशु चराने वाले, जो पहले वो पशु चराता था, पुरुष पशु चराने वाले का महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रारंभ बिंदु था। अब वो महापुरुष कैसे बना, यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। तत्र तृसरे हृदि संस्कृत अध्याय निश्चा
अंकुरिता। वहाँ उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा प्रफुष्टित हुई, प्रकटित हुई कि संस्कृत पढ़ने की इच्छा उसके प्रकट हुई।